पापा ने मुझे मना कर दिया कि मुझे जहेज में ज्वेलरी भी नहीं देंगे। पर मैंने भी कह दिया कि मेरे ससुराल वाले एरे गेरे थोड़ी है। हाँ, मेरी बड़ी पे जो ज्वेलरी आएगी ना, मैं सब लोगों को दिखाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं। मैं अपनी बहू के लिए अच्छा सा कमरा सजवाऊंगी, जरूर जरूर लेके दूंगी सब कुछ। अम्मा, मैंने सुना है फैसल किसी और से शादी करना चाहता था। हाँ हाँ, नहीं नहीं मेरा तो बेटा बहुत मासूम है। वो तो ऐसे ही ऐरी गैरी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। पता नहीं कौन है वो। कौन थी वो? मेरा मतलब है कि अगर मुझे पता चल जाए तो मैं खबरदार हो जाऊं। हाँ हाँ, वो भी मैं बता दूंगी। अरे, आपको पसीना क्यों आ रहा है? एसी तो 16 पे चल रहा है। वो बेटा पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है मेरा दिल। अच्छा जी, सास बहू यहाँ बैठ के बातें कर रही हैं, हैं? अच्छा, मैंने खाना लगवा दिया, चल के जरा खाना खा लीजिए। वो जुलेखा जी, मुझे ना भूख नहीं है। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। मैं जाऊंगी। नहीं नहीं रायमा बेटा, रोको इन्हें, ऐसे कैसे जा सकती है खाना खाए बगैर, हैं? अम्मा, खाना खा के जाए ना। दादो, मैंने अम्मा को अपनी सारी ज्वेलरी और कपड़े दिखा दिए, ताकि जब कभी कुछ खरीदना हो मेरे लिए तो फिर बिल्कुल वैसा ही खरीदे। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भाई बिल्किस, अब आपको शॉपिंग करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। क्यों? हाँ, जी जी, आप ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल में अब चलें, खाना फिर कभी सही। अम्मा, खाना खा के जाए ना, अभी तो मैंने आपको अपनी शूज कलेक्शंस और बैग्स भी तो दिखाने। शूज और बैग्स, है ना? हाँ, चलिए ना, आए खाना खाते हैं। आजे 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 आए आए आए, चले। शुक्र है कि इस लड़की ने बदतमीजी नहीं की। आपकी बड़ी बेटी का सुना तो बहुत ही अफसोस हुआ। पुल्लानी ने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बरसों की मन्नत पूरी हो गई हो। और सरमद भी यही चाहते थे कि मैं किसी बेवा से ही शादी करूं, ताकि सुन्नत पूरी हो सके। काश आप जैसे ख्यालात सब लड़के वालों के हों तो कोई लड़की भी घर में बेआसरा ना बैठे। बस मेरी भी यही तमन्ना है कि मैं अपनी भाभी एक ऐसे घराने से लेके आऊं जिसका ताल्लुक एक मजहबी घराने से हो, जैसे हमारा घराना है। और आप सरमद को तो जानते ही हैं कि वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब जवानी में ही दीन की खिदमत कर रहे हैं, और मैंने भी अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी ही की। आपका पैगाम आने से पहले हम अपनी बेटी की निस्बत तय कर चुके हैं, वरना हम आपके पैगाम को कभी भी रद्द ना करते। आपकी यही बात तो हमारे दिल को लगी कि आपने अपनी छोटी बेटी का पैगाम हमें दिया, और यही बात हमारे लिए बहुत है। आप अपनी बेटी को तो बुलाएं। जी। इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है कि तुम्हारे सास ससुर खाना खाए बगैर चले गए? अच्छा भला बिल्किस बेगम डाइनिंग टेबल तक आई है, बैठी है और फौरन ही उठ के खड़ी हो गई कि भूख नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि अचानक से उठी और फैसल साहब को भी साथ ले गई। पापा, 2 घंटे खाने का वेट करती रही बिल्किस आंटी, खाना तैयार हुआ ही है तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तुम्हारे कमरे में तो बहुत देर तक बैठी रही है ना, तुमने तो कोई बात नहीं की। क्या बात होनी थी दादो, मेरे साथ तो बड़ा लाड दिखा रही थी। मेरी पसंद ना पसंद, मुझे कौन सा डिज़ाइनर पसंद है, मुझे कैसी ड्रेसिंग पसंद है, मुझे कौन सी ज्वेलरी पसंद है, ये सारी मालूमात ले रही थी मुझसे। वैसे बड़ी फनी करेक्टर है बल्कि सांटी। रायमा,
वो तुम्हारे शौहर की माँ है। पापा मेरी तो नहीं है। रायमा प्लीज। मैं ठीक कह रही हूँ, मेरा आर्टिफिशियल सेट देख के कहती है तो डायमंड का है, 50 लाख का तो होगा, और ये रिंग 500 की, कहती है 50,000 की तो होगी। पापा उन्हें डायमंड के बारे में कुछ नहीं पता। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। सुम सलाद की तो पाबंद होंगी? जी। सिलाई कढ़ाई और कुकिंग? जी कुकिंग तो बहुत अच्छी कर लेती है, मगर सिलाई कढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं मिलता। आपको तो पता है कि पढ़ने वाली बच्चियों के पास इतना वक्त कहाँ होता है। जीनत बहन हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, बस आप भी हमारी तरफ आके तसल्ली कर लें। अगले महीने की 11 तारीख को हमारी बड़ी बेटी महविश की शादी, इंशाल्लाह उसके बाद जरूर हाजिर। जैसा आप बेहतर समझे। सैरिश बेटा मेरे पास आओ। ये लो बेटा मेरी तरफ से। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा ताल्लुक ऐसे घराने से जुड़ा है जो इंतहाई मजहबी है। सरमत को तो हजारों लड़कियों में से सिर्फ आपकी ही लड़की पसंद आई है। जी, लेकिन अभी हमने अपनी बेटी सैरिश से पूछना है कि इसे भी डॉक्टर साहब पसंद आए या नहीं। चलें आप तसल्ली कर लें। आजाद होता है लोगों की बातों में, टीवी में बैठ के इतने बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इस्लामी तालीमात पर बातें करते हैं, और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कुर्बानी के लिए गाय खरीदने आए हो। आहिस्ता बोलो, ये तो हर किसी की ज़हनियत एक जैसी होती है, तुम बुरा मत मानो। क्यों बुरा नहीं मानूं? जब मैं किसी और की पसंद हूँ तो मुझे कैसे पसंद कर सकता है? सैरिश, क्या मैं कोई इतनी हकीर हूँ कि मुझे एक पसंद करे और ठुकराए और फिर कोई दूसरा पसंद कर ले? सरेश प्लीज, तुम भूल क्यों नहीं जाती? मेरी मजबूरी देखो, मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ने वाला है। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं हारिस को कभी भूल पाऊंगी? क्या उसकी यादों को अपने दिल से अपने दिमाग से निकाल पाऊंगी? कोई नहीं देखता, ना ही कोई पूछता है। सबको अपने फर्ज की अदायगी की फिक्र होती है, बस ये एक सजा है बेटी होने की जिसे हमें खुशी खुशी उठाना है। अच्छा, अम्मी आएंगी तो जरूर पूछूंगा कि बहू के इतने इसरार के बावजूद उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। सच फैसल, 2 घंटे में बार बार किचन के चक्कर लगाए खान सामा को हदायत देने के लिए, पर पता नहीं एकदम क्या हुआ अम्मा को, टेबल से उठ खड़ी हुई। अब्बा भी परेशान हो गए थे। तुम्हें तो पता ही अम्मा का मूड, पल में तोला। कौन से हीरे, आओ आराम से। फैसल। अम्मा। बैठो बैठो आराम से, बैठो आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। है सर। अम्मा। टाइम है। अम्मा, अम्मा, अब्बा क्या हुआ अम्मा को?
कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे ससुराल गई थी, खुशी खुशी, बहुत खुश थी वहाँ पे, बस अचानक वो खाने की टेबल पे गई है, उसके बाद से इनकी हालत। माँ होश करे। माँ अम्मा के तो होश ही उड़ गए। अब अम्मा गलती नहीं करेंगी रुखसती करके मुझे इस घर से लेके जाने। अम्मा पानी पी ले। नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगी। अरे फैसल बेटा, उस राहिमा के पास तो हीरे का नाव लगा था, सोना तो वो कहती मैंने कभी देखा ही नहीं। अरे बाबा, वो अमीर माँ बाप की बेटी है रायमा, ले सकती है। अम्मा आपको रायमा के हीरे और मोतियों से क्या लेना देना, अपने हीरे मोती रख कर उसने हम सबको अपनाया ना। अरे भाई इनका तो दिमाग चल गया है, कुछ खाने को मिलेगा वहाँ भरी टेबल्स उठा के ले आई हो तुम। खाने थे, अल्लाह मैंने तो कभी ऐसे खाने देखे ही नहीं, ये टेबल भरी हुई थी खानों की। अरे तो सारा इत्तेमाम उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, मेहमान थी तुम उनके यहाँ, जब कोई घर में आता है तो इसी तरह से तवाज़ो खातिर की जाती है। तुम्हारे घर वाले आते हैं तो तुम 10 खाने नहीं बनाती हो क्या? हमारे खाने भी कोई खाने होते हैं, आलू भिंडी गोश्त दाल, ना कभी देखे ना कभी सुने। उफ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। आज एक दफा गई उनके घर तो तुम्हारा ये हाल है, सारी जिंदगी गुजारनी तुम्हें उसके साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं भाग गई, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। तौबा है मेरी तौबा। अरे अम्मा क्या हो गया आपको? बेटा इनका दिमाग खराब हो गया, सुबह फैसल इनको दिमागी डॉक्टर को दिखाओ और जाओ ताएबू के घर, देखो वहां कुछ खाने के लिए तो लेकर आओ, बहुत सख्त भूख लग रही है। चाय। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ, सहरिश की वजह से परेशान। क्या रोग लगा लिया उसने? इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं जीना, कुछ भी ठीक नहीं होगा, उसका ये दुख कम नहीं होगा, उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। वो जहां भी जाएगी, जिसके साथ रहेगी, उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। क्या हो गया आपको? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बेटियों के बाप हैं, आपको तो अपनी बेटियों को दुआएं देनी चाहिए। हम बेटी को दुआ दें कि वो जिसके साथ भी रहे वो उसके सारे दुख उसके पछतावे दूर कर दे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, ये जो सरमत की फैमिली आई थी, क्या ये वही लोग हैं जिसके बारे में हमने कुछ सोचा था? मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने रूप धार रखा। वो सोफिया बेगम की बातें, वो सरमत की नजरें, तौबा, मैं तो जितनी देर बैठा रहा हूं एक तकलीफ महसूस करता रहा। पसंद ना पसंद का हक तो हमारी बेटी सहरिश को भी, उस अल्लाह वाली को सरमत से ये नहीं पूछना चाहिए था कि उसे सहरिश पसंद है या नहीं, बल्कि उसे चाहिए था वो हमारी बेटी सहरिश से पूछती कि उसे उनका बेटा पसंद है या नहीं। आप भी कमाल करते हैं प्रोफेसर साहब, बेटों की माएं कब पूछती हैं लड़कियों से कि तुम्हें हमारा बेटा पसंद भी है या नहीं। चाहे जितनी भी अल्लाह वालियां क्यों ना हो, उन्होंने कभी भी ये हक नहीं दिया। बेटियों की माओं को तो ये हक ही नहीं होता पूछने का। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं बच्चियों को देख कर आती हूँ। क्या हुआ?
मैंने आज से पहले आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि इस घर का क्या होगा, तुम्हारी माँ का रवैया, पैसे की दौलत की लालच, इतने ऊंचे घराने में रिश्ता जोड़ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मुस्तकबिल में रायमा का और तुम्हारी माँ का गुजारा कैसे होगा। तुम्हारी माँ तो रायमा की धन दौलत और हीरे जवाहरात देखकर गश खाती रहेंगी। ऐसा नहीं है अब्बा, रहमा अपने हीरे और जवाहरात नहीं लाएगी। तुम उसे कैसे मना कर सकते हो, वो एक अमीर बाप की बेटी है। ठीक वैसे ही जैसे रहमा की दादी ने ताए अम्मी और ताए अब्बू पे जहेज देने से पाबंदी लगा दी, हम भी जहेज लेने से मना कर देंगे। अगर बेटा ऐसा हो गया ना तो तुम्हारी माँ अपने होश हवास खो बैठेंगे और हम अजीम साहब से रहमा की जल्द रुखसती का वादा कर चुके हैं और तुम्हारी माँ अब रायमा का नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती है। और अगर वो जहेज लेकर नहीं आई ना तो हमारा ये जो घर है ना वो अखाड़ा बन जाएगा। अब्बा अम्मा किसी हाल में कुछ नहीं, पहले वो चाहती थी कि बड़े घर में रिश्ता हो और अब जब वो हो गया है तो क्यों मुश्किलें खड़ी कर रही है। बेटा ये सब कुछ उस वक्त होता है जब इंसान अपने परों की ताकत से ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश करता है। दानिश भाई की बेटी में क्या कमी थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो घर की बच्ची थी। अगर मेरा रायमा से रिश्ता ना भी होता ना तो मैं सैरिश से रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहता। रायमा बहुत मासूम है, उसकी सोच बहुत अच्छी है और सैरिश ही की वजह से महविश ने दूसरी शादी के लिए हाँ की। लेकिन अजीम साहब चाहते हैं कि उनकी शादी से पहले रायमा की रुखसती हो। ऐसा कैसे हो सकता है अब्बा, अभी तो मेरा कमरा भी तैयार नहीं हुआ। अरे बेटा वो एक अमीर आदमी है, तुम्हें एक अलग घर लेके दे देंगे, तुम और रायमा उसमें शिफ्ट हो जाना। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा अब्बा। नहीं बेटा मेरे ख्याल से ये हम सबके लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि मैं आप दोनों के बगैर रहूं।